सर कहाँ से आए आपको? आप लोग कहाँ से हैं? बैंगलोर सर। बैंगलोर। देखिए दीवारों में छेद हो रहा है, शायद वायरिंग की प्रक्रिया हो। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के मुख्यतम मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ के नए निर्माण कार्यों एवं नए बदलते स्वरूप के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूँगा। ये देखिए दक्षिण भारत से आए हुए तीर्थयात्री हैं। ये देखिए सर कहाँ से आए आपको? आप लोग कहाँ से हैं? बैंगलोर सर। बैंगलोर। देखिए कर्नाटक से आए हुए, बैंगलोर से आए हुए श्रद्धालु हैं और ये इनकी तादाद काफ़ी अधिक बड़ी है। देखिए बड़ी संख्या में सुदूर बंगलुरु से आए हुए श्रद्धालु हैं। देखिए संख्या सैकड़ों में है। अब आप देख सकते हैं कि राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर जो परिकल्पना है आप देख सकते हैं। जय श्री राम। सामने दृष्टिगत प्रदेश में आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पथ पर प्रवेश द्वारों की जो आभा है वह अत्यंत सुंदर एवं मनोरम लगती है। और साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति है, यानी लगभग 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दिव्यतम दर्शन प्राप्त किए। और अब सावन मेला भी जल्द निकट है, जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होने जा रही है। जैसा कि आज से एक महीने पूर्व लाखों की संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन प्राप्त किए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित है, जो कि रामलला के दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि पथ मार्ग से सीधे रामलला के दर्शन प्राप्त करेंगे। और आप यहां सामने देख सकते हैं कि यहां पर रामपथ मार्ग पर बड़ी संख्या में होटल भी निर्मित किए गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहां पर आपको खान पान के साथ रहने की भी सुविधा उपलब्ध है। और आप यहां पर कई तरह के व्यंजन का आनंद यहां ले सकते हैं। अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुए वैसे ही अयोध्या में भारी संख्या में निवेश भी आने लगा है। और यहाँ पर आपको हर ब्रांड की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और जैसे जैसे यहाँ पर पर्यटन उद्योग बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर तेज़ी से विकास कार्य भी संपन्न होंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी अधिक मजबूती मिलने वाली है। और जो राम मंदिर बनने से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव भी देखा गया है। जहाँ पर यहाँ की सड़कें सूनी रहती थीं वहीं पर अब लाखों की संख्या में भक्तों के आगमन से यहाँ की अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती मिली है। और रोजगार के नए अवसर भी श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर में बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। और संपूर्ण अयोध्या को विकसित करने का जो संकल्प है वह अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि कितने वर्षों तक अयोध्या पूरी तरीके से बिल्कुल विकास से अछूती रही, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से अब अयोध्या बेहद दिव्यतम प्रतीत हो रही है। और आप यहां देख सकते हैं कि मौसम भी काफ़ी अधिक सुहावना है एवं बदली की स्थिति होने से यहां पर मौसम कितना अधिक दिव्य एवं मनमोहक लग रहा है। अयोध्या को इको फ्रेंडली सिटी बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन किया जा रहा है और आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। और श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर में यहाँ पर
काफ़ी अधिक भीड़ की स्थिति उत्पन्न होने से यहाँ पर वैकल्पिक फ्लाईओवर या वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था जल्द से जल्द की जानी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर नया सुग्रीव पथ भी बनकर तैयार मिलेगा, जो कि श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर के बिल्कुल बगल में बनाया जा रहा है, जहाँ श्री राम अस्पताल स्थित है। यानी प्रवेश एवं निकासी के लिए अब श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर में अलग अलग मार्ग बनने वाले हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अभी फ़िलहाल काफ़ी अधिक देखी जा रही है। श्री राम जन्मभूमि पथ मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आप यहां सामने देख सकते हैं कि यहां पर मार्गों के नए दिशा निर्देश बोर्ड के माध्यम से जारी किए गए हैं, और यहां पर आपको अनेक प्रकार की लेन जो यहां पर निर्मित हुई है उसके डायरेक्शन इसी बोर्ड के माध्यम से दिए जा रहे हैं कि किस लेन में वृद्ध एवं विकलांगों को जाना है और कौन सी लेन महिलाओं के लिए आरक्षित है। अतः यहाँ पर इस प्रकार की सुविधाओं को और भी अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में एक ही लेन में कई प्रकार के श्रद्धालु, चाहे वह दिव्यांगजन हों अथवा वृद्धजन, वे सभी एक ही लेन में देखे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यह व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित होने वाली है, क्योंकि जिस लेन में जो होगा, यानी जो लेन महिलाओं के लिए आरक्षित होगी उसमें केवल महिलाएँ ही जा सकती होंगी, एवं जो लेन पुरुषों के लिए आरक्षित होगा उसमें केवल पुरुष जा सकते हैं, एवं दिव्यांग जनों के लिए एवं वृद्ध जनों के लिए अलग से लेन बनाने की दिव्य व्यवस्था की जा रही है। और आप यहां देख सकते हैं कि व्ही चेयर के माध्यम से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और इन्हें वीआईपी दर्शन की सुविधा सहज ही उपलब्ध है। ये देखिए, श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य चल रहे हैं, और ये ऊपर का देखिए जो शेड बन रहा है, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, जहाँ से सामानों की स्कैनिंग की जाती है, वहाँ से देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभी रंग रोगन के कार्य चल रहे हैं, और जो भी कंस्ट्रक्शन बाकी हैं उस पर यहाँ पर देख लीजिए। देखिए स्कैनर स्कैनिंग पॉइंट है, यहाँ पर सामानों की विधिवत स्कैनिंग की जा रही है, और अभी फ़िलहाल श्रद्धालुओं की संख्या मध्यम में ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं, शायद ड्रिलिंग की जा रही है। मशीन के क्रेन लगा करके यहाँ पर ड्रिलिंग प्रक्रिया की जा रही है, और देखिए दीवारों में छेद हो रहा है, शायद वायरिंग की प्रक्रिया हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शटरिंग बड़े पैमाने पर की गई है, और ये देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर शटरिंग की गई है। ये देखिए यहाँ पर सामानों की विधिवत स्कैनिंग की जाती है, और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी यहाँ मजबूत है, और एनएसजी ने भी यहाँ पर प्रभार लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा एनएसजी को प्रभार दिया गया है यहाँ पर। अब राम मंदिर की जो सुरक्षा है वो एनएसजी के द्वारा की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगी है, पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम थी। अब बारिश देख सकते हैं, यहाँ परिषद सूखा है, और यहाँ पर बंदरों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। ये देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एंट्री ले रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए।
ये देखिए अभी यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं और फिलहाल अभी केवल एक या दो स्कैनर मशीनों से ही काम चलाया जा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अभी उतनी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के मुख्यतम मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ के नए निर्माण कार्यों से बदलते स्वरूप के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।